अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी से जुड़ी हुई है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और अब रवानगी होने वाली है क्योंकि ताइवान वो पहुंची हुई थी और चीन और ताइवान की तनातनी के बीच अब देखें किस तरह से विमान में सवार हो रही हैं और नैन्सी पेलोसी की ताइवान से रवानगी की ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण। अब दक्षिण कोरिया जाने वाली है सियोल और ताइवान से रवाना हो रही हैं नैन्सी पेलोसी, दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो रही हैं इस वक्त पेलोसी और इसके पहले ताइवान पहुंची हुई थी और जैसे ही वो ताइवान पहुंची चीन भड़क गया, उसके बाद युद्धाभ्यास की धमकी दी जाने लगी और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आने लगी। चीन ने कहा कि ताइवान के पास युद्धाभ्यास बहुत जरूरी है, साथ ही चीन ने कहा कि हमारा ये अभ्यास न्यायपूर्ण है। चीन ने युद्धाभ्यास और फाइटर जेट की गड़गड़ाहट के बीच अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान से वापस लौट रही हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक भल्ला जुड़ चुके हैं। अभिषेक, किस तरह से इन तस्वीरों को आप बयां करना चाहेंगे क्योंकि तनातनी के बीच, चीन और ताइवान की तनातनी के बीच नैन्सी पेलोसी इस वक्त ताइवान से रवाना हो रही है दक्षिण कोरिया के लिए। जी देखिए, जो इनका एशिया दौरा था और इसमें पहले से ही ये एक्सपेक्टेड था कि ये ताइवान जाएंगी, इनके विजिट से पहले ही बहुत से बयान आने लगे थे चीन की तरफ से। चीन ने ये भी बोला था कि अगर वो ताइवान आती हैं तो इसका खामियाजा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस यूएस को भरने पड़ेंगे। अब ऐसा हुआ है कि वो ताइवान आई, यहाँ से गई, इसके बीच हमने देखा है कि कैसे चीन की तरफ से जो है अग्रेशन काफी बढ़ गया है। कम से कम 21 फाइटर एयरक्राफ्ट चीन के कल जो है ताइवान की एयर स्पेस में गए थे, ऐसा ताइवान का दावा है। इसके अलावा चीन के कम से कम 2 वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट्स के बेहद नजदीक पहुंचे हुए हैं इस वक्त। तो इस सब के चलते साफ है कि टेंशन बढ़ी हुई है। वहां यूएस के भी 4-5 वॉरशिप जो है वो ताइवान की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी नहीं पता है। तो साफ है कि अगर ये लड़ाई और आगे जाती है और ऐसी संभावना होती है कि लड़ाई शुरू हो जाती है तो यूएस की तरफ से सपोर्ट ताइवान को जरूर मिलेगा। ठीक है अभिषेक, हमारे साथ हमारे 2 डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, विंग कमांडर अभिषेक मतिमान और साथ ही कमोडोर जीजे सिंह। जीजे सिंह साहब, आपका हम मैं रुख करना चाहूंगा। सबसे पहले इसका परिणाम आप क्या देखते हैं, जो ये धमकी है, जो ये चुनौती है, तनातनी है, इसका परिणाम आप आगे क्या देख रहे हैं? देखिए, इस तनातनी के अंदर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि शी जिनपिंग और बाइडेन के अंदर जो एक पहले गुडविल थी, जहां उनका एक ट्रस्ट बना हुआ था आपस में, जो उनका विश्वास था एक दूसरे के ऊपर, जो अच्छे रिलेशन थे, वो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और चाइना जो है वो पूरी तरह चढ़ा हुआ है, पूरे चरण पे चढ़ा हुआ है और बार बार ये कह रहा है कि अभी मेरा बाकी हिसाब करना जस्टिफाइड है, जायज है, वो उसको जायज समझता है। और साथ में अगर देखा जाए तो उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि जो चाइना है अपनी होम टर्फ के ऊपर है, वो इंच इंच जो समुंदर का है वो उसका उससे वाकफ है। 280 से 300 तक उसके पास जंगी जहाज है, 60-70 के बीच सबमरीन्स हैं और वो सभी की सभी जो हैं वो अमेरिका की तरह बंटी नहीं हुई। जैसे बहुत सी नेवल फोर्स जो है वो अमेरिका की पर्शियन गल्फ में है और दूसरे जगहों पे है, जैसे कि यूक्रेन की तरफ उसका ध्यान है जहाँ अपने ही कोस्ट को बचाने के लिए उनकी तैनाती है। मगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो उनकी फुल नेवल फोर्स है, जैसे मैंने कहा उनकी 60-70 सबमरीन, 280 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑल्सो, इन सबको मिला के देखा जाए और वाकफियत और बिल्कुल साथ ताइवान के साथ और साथ में उनके जितने हवाई अड्डे हैं उसके जमीन के ऊपर वो बिल्कुल साथ में है, उनको कोई लंबी उड़ान भरने की जरूरत नहीं है। इस चीज से अगर मैं दोनों को बैलेंस में करूं तो मैं समझता हूं कि चाइना भी कुछ कर सकता है, क्योंकि अभी उसने बदले की सोच रखी है और करेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि वो बार बार कहता रहा है। अदरवाइज शी जिनपिंग अपना चेहरा इंटरनेशनली किसी को दिखाने के लिए
नहीं बचेगा उसका, उसकी एक बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, चलिए तो मैं इसको, समझ रहा हाँ हूं। इसको हम समझते हैं। विंग कमांडर अभिषेक मतिमान जी को भी जोड़ लेते हैं। अभिषेक जी, क्या इसको सिर्फ चुनौती की तरफ आप देख रहे हैं या फिर सिर्फ एक मैसेज, एक संदेश के तौर पर आप देख रहे हैं, या फिर क्योंकि धमकी के साथ ही शुरुआत हुई थी रूस और यूक्रेन की जंग भी, लेकिन यहां पर भी अभी तनातनी और धमकी, चुनौती सब कुछ हमें देखने को मिल रही है, तो क्या आपको लगता है कि यह धमकी जंग में तब्दील होने जा रही है? हम सर्टेनिटी के साथ तो ये नहीं कह सकते कि जंग में तब्दील होने जा रही है, बट एट द सेम टाइम इसकी पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता। क्यों? वो इसलिए कि जब नैंसी पेलोसी का दौरा प्लान हुआ था एशियन टूर, उस समय से चाइना ने ये वक्तव्य देना शुरू कर दिया था कि अगर वो ताइवान आती है तो यूएस को या ताइवान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो अपने तय दौरे के हिसाब से ताइवान आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो बयानात उनको देने थे वो दिए, और अब वहां से रवाना भी हो रही हैं। तो ये ओवरऑल पिक्चर में ये मेजर एम्बैरेसमेंट हो गया है चाइनीज के लिए। अब इस एम्बैरेसमेंट का खाली पॉसिबिलिटी इस पे डिपेंड करती है कि चाइना इसको इस एम्बैरेसमेंट से फेस सेविंग के तौर पर अपने आप को निकालने के लिए किस एक्सटेंट तक जाना चाहेगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त जो साउथ चाइना सी में यूएसएस यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर टास्क फोर्स यूएसएस रोनल्ड रीगन अवेलेबल है, प्लस हवाई की तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन की भी तैनाती यूएस ने कर रखी है। तो ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं है, विद इन स्ट्राइकिंग रेंज चीजें हैं, लेकिन जैसा कि एयर कॉमोडोर जीजे सिंह ने भी कहा कि अगर इनकेस मिलिट्री होस्टिलिटीज ब्रेकआउट होती है तो चाइना को सर्टनली एडवांटेज होगी, बिकॉज सारा जो सीन ऑफ एक्शन है वो चाइना के मेन लैंड से काफी करीब है और इवन उनके लैंड बेस्ड वेपन सिस्टम्स की कंफर्टेबली रेंज के अंदर आते हैं, तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फायर पावर होगा वो उनके लिए। अभिषेक वल्ला भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, अभिषेक को हम लेकर आते हैं। अभिषेक, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये अमेरिका नैंसी पेलोसी वहां पर मौजूद हैं इसलिए मनोबल बढ़ा हुआ है ताइवान का भी, और ताइवान ने भी प्रतिक्रिया अभी वीडियो अभी जारी करके एक तरह से चुनौती दे दी, लेकिन अभिषेक अब नैंसी पेलोसी अब दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो गई है, अब आगे क्या चीन और ताइवान में अब आगे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि तनाव तो ये बढ़ेगा। जी, यह बहुत महत्वपूर्ण समय शुरू हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो एक बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग चल रही थी, क्योंकि नैंसी पेलोसी ताइवान में थी और बहुत जरूरी था चीन का एक कड़ा रुख लेना, क्योंकि इनकी विजिट से पहले ही चीन ने बोल दिया था कि अगर वो यहाँ आती हैं तो इसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके लिए यूएस जिम्मेदार होगा। अब क्योंकि वो वहां आ चुकी हैं और युद्ध अभ्यास चीन ने शुरू कर दिए हैं, अब क्या चीन इस युद्ध अभ्यास को एक फॉर्मल अटैक में तब्दील करेगा या नहीं करेगा, ये देखने की बात है, क्योंकि इसमें देखिए कोई दोराय नहीं है कि चीन के लिए ये काफी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई है, और चीन की एक पुरानी रणनीति होती है कि उसको एक ऑनरेबल एग्जिट चाहिए होता है। देखिए लद्दाख में भी काफी सिमिलैरिटीज हैं, किस तरह से चीन लद्दाख में घुसा, एक साल हो गया है, स्टेलमेट सा बरकरार रहा है और वो ऑनरेबल एग्जिट उसको अभी भी नहीं मिल रहा है वहां से, तो कहीं ये उस तरह की स्थिति ना हो जाए कि कहीं पर एक छोटा मोटा इनकर्जन करके या कुछ हमला करके चीन कुछ स्टेटस को बदलने की कोशिश करे, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये अभी इस पर प्रिडिक्शन करना या अटकलें लगाना काफी मुश्किल है।